Assalamualaikum and welcome to the 20th episode of Tech Weekend। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरनेशनल जो लोकल न्यूज़ है ना वो देता हूँ। और आनी तो ये वीडियो वैसे संडे को थी, मगर बीच में ईद आ गई तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज जो है वीडियो था तो मैंने कहा ये बना लेते हैं। और जो विनर है यार, मैं आपका मैसेज देख के जो है ना इंशाल्लाह कल आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो सॉरी, मैं ज़रा खुद ही ज़रा रिलैक्स मोड में था तो इस वजह से बहरहाल आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा तो इंतज़ार के लिए यार सॉरी। बहरहाल पहली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो भाई पहली न्यूज़ आ रही है एयरलिफ्ट की तरफ से, और वो भी जो है पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप बंद कर रहे हैं। और भाई अभी तो कह लो शुरुआत हुई है, जो हालात जा रहे हैं अभी तो यूएस ने का रिसेशन का कह दिया ना इस महीने के एंड के ऊपर। तो फिर देखना क्या क्रिप्टो क्या मार्केट सब कुछ को पता लगेगा। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ है और हमारे अपने ही हालात इस तरह के, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बता देता हूँ, अक्सर लोगों का पहले भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरहाल अगला जो न्यूज़ है वो आ रही है चाचा मस्क के रिलेटेड, और उन्होंने जो है वो ट्विटर की डील शार्ट कराई है, कह रहे हैं नहीं लेना मैंने। और उसके ऊपर जो ट्विटर के लॉयर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत बात है ना, ये तो बन रहा है और वो कोई केस करने का भी सोच रहे हैं। तो देखो क्या होता है, और मस्क साहब शायद कुछ पंगे शंगे अब लेंगे, कुछ करेंगे, शायद पैसे कम कराएँ। तो बहरहाल ये जो है वो हो रहा है अभी, और देखो आगे क्या होता है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है भाई जापान से रिलेटेड। और भाई ये लोग पहले 30-35 साल बाकी दुनिया से आगे हैं, और इन्होंने ऑनलाइन हरासमेंट या किसी को भी बुली करने या कोई बुरा कहने के ऊपर जो है वो $2,000 का जुर्माना डाल दिया है। और कुछ केसेस के अंदर जो है वो सज़ा वगैरह भी हो सकती है। तो भाई हर मुल्क के अंदर होना चाहिए, और वैसे कितना का टैकल कर लेंगे वो लोग, तो फिर भी थोड़े कह लो इंसान के बच्चे हैं। तो बहरहाल ये है अपडेट जापान से रिलेटेड, मैंने कहा बता देता हूँ शायद हमें भी थोड़ी अक्ल आ जाए। उसके अलावा जो अपडेट है वो आ रहा है भाई गेमर्स के रिलेटेड, काफ़ी ज़बरदस्त। नूबी आप लोगों को पता है जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी ने, जो उनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आते हैं, इन्होंने अपना मोनीटर और जो कीबोर्ड माउस वगैरह वो लॉन्च कर दिए हैं। जो इनका मोनीटर है 27 इंचज के अंदर 4K 160 हर्ट्ज का जो है वो इसका साइज़, और इन्होंने लॉन्च किया है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो देखो पाकिस्तान में तो आने नहीं वाला, प्राइसिंग भी इन्होंने मेंशन नहीं की, तो पता नहीं किस प्राइसिंग पे लॉन्च वगैरह ये हुआ है। जस्ट आर्टिकल के अंदर प्राइसिंग नहीं मेंशन थी। तो ये कुछ हैं और नूबिया की चीज़ें आ रही हैं, अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन बनेगा और जो है वो चीज़ें वगैरह बनेगी। और अगला जो अपडेट है वो आ रही है भाई एक कह लो स्टडी से रिलेटेड। उन्होंने जो 2000 कह लो पिछला जो साल नहीं गुजरा उसके अंदर उन्होंने ओवरऑल जो नेट की जो कह लो जो ब्लॉकेज वगैरह नहीं थी, लाइक कहीं पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है रशिया के अंदर हो रहा है, ये डिफरेंट जगह पे, उनका पाकिस्तान इंडिया कश्मीर हर जगह का पूरी दुनिया का जो है मिला के लॉस जो इंटरनेट बंद रखने की वजह से हुआ है वो तकरीबन $10 बिलियन का है। तो ये भाई इंटरनेट बंद होने की वजह से इफ़ेक्ट वगैरह आता है अगर कहीं पे इंटरनेट बंद हो जाए, और इतना जो है वो नुकसान होता है, और इन केस पूरी दुनिया में हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये अपडेट थी, और मैंने कहा बता देता हूँ कि लोगों को आईडी हो जाए इंटरनेट कितना ज़रूरी है आजकल के टाइम में। बहरहाल नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रहा है भाई मोटोरोला चाचू से रिलेटेड, और इन्होंने कंफर्म किया कि 200 मेगापिक्सल वाला जो है ना कैमरा वो किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कौन लोग मोटोरोला का मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, पाकिस्तान में तो आते नहीं हैं, और बाहर भी कुछ होंगे कुछ लोगों को पसंद होंगे। तो बहरहाल ये जो है और सैमसंग का सेंसर यूज़ करेंगे, उन्होंने निकाला हुआ है। तो ये कुछ अपडेट था मोटोरोला का। और हमारा सेकंड लास्ट जो अपडेट है वो आ रहा है सैमसंग से रिलेटेड, और सैमसंग ये कह रहा है कि हम फ्यूचर के अंदर जो है वो अफोर्डेबल फोल्डेबल जो मोबाइल फ़ोन है वो लॉन्च करेंगे, ताकि हर माड़ा मोटा बंदा जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन सैमसंग के ख़रीद सके फोल्डेबल वाले और शशके मार सके। तो ये कुछ है सैमसंग की अपडेट, अब देखो कब लॉन्च करते हैं, किस प्राइस में करते हैं। बहरहाल अगला और जो लास्ट अपडेट है वो आ रहा है भाई नथिंग फ़ोन से रिलेटेड, और इन्होंने अपना जो फ़ोन है वो लॉन्च कर दिया है। अभी मार्केट्स के अंदर रिलीज़ आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट होगा, पीछे उन्होंने बत्तियाँ शतियाँ डाली हैं, और हालांकि इनका एक ही मोबाइल फ़ोन है कोई फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आते, वीडियो वाली सरकार भाई ने भी इस पर वीडियो बनाई है। तो लोकल जो आप कह लो मिड रेंज की स्पेसिफिकेशन है वो डाली है, अपर मिड रेंज के अंदर है, स्नैपड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर डाला हुआ है, जेन 1 होना चाहिए था मगर नहीं, और इसके पीछे बाकी ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दूसरों के, इन्होंने इन्वेशन किया। तो ये कुछ हमारा नथिंग फ़ोन है, पाकिस्तान में तो आना नहीं, बहरहाल जिनको इंटरेस्ट है मैंने कहा उनके लिए बता देता हूँ। तो ये थी भाई आज की कुछ अपडेट्स वगैरह, बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही, अल्लाह हाफिज़।